नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। लिंग संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बैल, गाय आदि। हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। अब हम पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान देखेंगे। शरीर के अवयवों के नाम, जितने भी शरीर के अवयव है उनके नाम, यह सभी पुल्लिंग है। जैसे सिर, मस्तक, मुंह, कान, बाल, दांत, होंठ, गाल, हाथ, पैर, पांव, घुटना, अंगूठा, यह सभी पुल्लिंग शब्द है। शरीर के अवयव के कुछ नाम है जिनमें कुछ अपवाद है, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, यह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद में देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इराक, पाकिस्तान, ईरान, यह पुल्लिंग शब्द है। अपवाद श्रीलंका। पर्वतों के नाम, हिमालय, सह्याद्री, अरवली, विंध्य, हिमाचल, सतपुड़ा, एवरेस्ट, कैलाश। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सभी दिनों के नाम पुल्लिंग शब्द है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख, जेठ, सभी महीनों के नाम पुल्लिंग शब्द है। वृक्षों के नाम, आम, पीपल, बरगद, नारियल, बबूल, नीम, अशोक, पलाश, अमरूद, केला। अपवाद है इमली, लीची। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मक्का, जौ आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम, पानी, शरबत, दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, पेट्रोल, इसमें अपवाद है लस्सी, चाय। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, सीसा, जस्त, अपवाद है चांदी। रत्नों के नाम, हीरा, माणिक, नीलम, पन्ना, मोती। फलों के नाम, केला, जामुन, आम, अमरूद, अनार। समय के नाम, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, अपवाद है रात, संध्या, दोपहर। फूलों के नाम, कमल, गुलाब, गेंदा, मोतिया। देवताओं के नाम, इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। समूहवाचक संज्ञा के नाम, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, मंडल, पंचायत, इसमें अपवाद है भीड़, सेना, कमेटी, कक्षा। प्राणीवाचक शब्द, बालक, कौवा, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, पक्षी, मच्छर, अपवाद है गाय, संतान, सौतन। कुछ आकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे छाता, पैसा, गुस्सा, चश्मा आदि। जिन शब्दों को अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आते हैं
वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ प्रत्यय वाले शब्द शेर, राम, कृष्ण। तो प्रत्यय वाले शब्द सतीत्व, देवत्व। आ प्रत्यय बुढ़ापा। आव प्रत्यय चढ़ाव। पा मोटापा। पन बचपन, लड़कपन। ईय प्रत्यय वाले शब्द पूजनीय, वंदनीय। खाना दान। वाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना से दवा खाना, डाक खाना, जेल खाना। दान से खानदान, ज्ञानदान, फूलदान। वाला से दूध वाला, चाय वाला, दुकान वाला। जिन शब्दों के अंत ख, न, त्र वर्ण होते हैं, वह शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे ख से सुख, भूख। न से मन, तन। त्र से शस्त्र, अस्त्र। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की सामान्य पहचान देखेंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, रावी, झेलम। इसमें अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सोन। तिथियों के नाम दूज, तीज, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, श्वेती, चित्रा, मृगशिरा, भरणी। अपवाद है पुष्प, अभिजीत। बोलियों के नाम इसमें भाषाओं के और लिपियों के सभी नाम, यह स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, अंग्रेजी, पंजाबी, अरबी, फारसी, बंगाली, ब्रज, अवधी। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, रामचरितमानस, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। मसालों के नाम हल्दी, धनिया, मिर्च, मेथी, इलायची, लौंग, दालचीनी। अपवाद है जीरा, केसर। खाद्य पदार्थों के नाम रोटी, दाल, सब्जी, कचौड़ी, पूरी, खीर, जलेबी, मलाई। अपवाद है लड्डू, हलवा। मनोभावों के नाम दया, करुणा, लज्जा, तृष्णा, व्यथा, पीड़ा, खुशी, ममता। अपवाद आनंद, उल्लास, क्रोध, मोह, हर्ष, लोभ। वस्त्रों के नाम साड़ी, सलवार, चुन्नी, टोपी, धोती, कमीज, पेंट। राशि के नाम मेष, कर्क, सिंह, तुला, मीन, कुंभ। देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा, लक्ष्मी। लताओं के नाम अमरबेल, मालती, तोरई। कुछ अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत जो संज्ञाएं आती है वह स्त्रीलिंग होती है, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, बेटी, मामी, भाभी, बालू, दारू, खड़ाऊ आदि। जिन संज्ञा शब्दों को ट, वट, हट, आनी, इया, आहट यह प्रत्यय जोड़े जाते हैं, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ट से झंझट, वट से बनावट, सजावट, हट से कड़वाहट, आहट, आनी से जेठानी, नौकरानी, इया से गुड़िया, चिड़िया, आहट से घबराहट, चिकनाहट।
अगली वीडियो में हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के नियम देखेंगे। धन्यवाद।